students i hope you all are doing good let's start today's chapter time focus points am and pm units of time 24 hours clock time addition and subtraction of time leap year calculating number of days am and pm a day has 24 hours everybody knows that When the hour hand goes around the clock once, it means 12 hours have been passed. Thus, the hour hand completes two rounds of clock in a day. एक दिन में 24 घंटे होते हैं, है ना? और जब hour hand आपकी clock का एक चक्कर लगाती है, तो इसका मतलब 12 घंटे आपके complete हो चुके हैं। यानी कि जो hour hand है, वो दो round लगाती है clock के। The clock shows nine. It may be nine in the morning or in the evening, right? The time with AM or PM tells us whether it is e morning or evening. अच्छा देखिए a. A. इस घड़ी में आपके नौ बज रहे हैं अब ये सुबह के नौ है या शाम के नौ हमें नहीं पता है ना कुछ भी हो सकता है तो ए एम और पी एम से हमें शो होता है जैसे कि आपका जो दिन है वो रात के बारह बजे से शुरू होता है ओके एंड देन अगले दिन के मिड पे वो खत्म होता है तो जो रात के बारह बजे से आपका जो टाइमिंग शुरू होता है वो होता है आपका रात के बारह से दिन के बारह तक ए एम और उसके बाद का जो टाइम होता है यानी दिन की बारह से रात के बारह बजे तक मिड नाइट में वो पी एम ओके okay? ए एम की शॉर्ट फॉर्म होती है आई I मीन mean, फुल फॉर्म होती है एंटी मेर्रिडियम एंड पी एम की शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म होती है पोस्ट मेडरीडियम ओके देखिए ट नाइट ये रात के 12 बज रहे हैं तो ए एम है ट्वेल्व नून के बाद ये पी एम हो जाएगा ओके okay? बारह बारह घंटे का इनमें डिफरेंस होता है चलिए एग्जाम्पल देखते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग टाइम यूजिक ए एम और पी एम नाइन इन द मॉर्निंग तो नाइन इन द मॉर्निंग दैट मीन्स नाइन ए एम ओके बी पार्ट एट ट्वेंटी इन द मॉर्निंग ऑफ कॉर्स ये भी आपका क्या है ए एम टी इन द इवनिंग सिक्स फोर्टी इवनिंग में आपका क्या हो जाएगा पी एम एंड एट फोर्टी फाइव एट नाइट ये भी आपका पी एम होगा ओके मैट्स फैक्ट वी डू नॉट राइट ए एम फॉर ट्वेल्व ओ क्लॉक नून एंड पी एम फॉर ट्वेल्व ओ क्लॉक मिड नाइट दे आर सिंपली कॉल ट्वेल्व नून एंड ट्वेल्व मिड नाइट देखिए हम जैसे जो ट्वेल्व ओ क्लॉक होता है दिन का उसके लिए हम ए एम नहीं लिखते हम सिंपली लिखते हैं ट्वेल्व नून इसी तरह से जो रात के बारह बजते हैं उसके लिए हम पी एम नहीं लिखते ट्वेल्व पी एम हम सिंपली लिखते हैं ट्वेल्व मिड नाइट ओके चलिए एक्सरसाइज देखते हैं लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द टाइम यूजिंग ए एम और पी एम ओके पिक्चर देख के आपको बताने अब आप छह बजे उठ रहे हैं शाम के या सुबह के ऑफ कोर्स सुबह के तो ये है पी एम और खेलेंगे कब आप फोर फिफ्टीन पी एम स्कूल जब आप जाते हैं सेवन थर्टी ए एम और सोते आप कब है रात को तो आपका रात का टाइम हो जाएगा पी एम ओके चलिए नेक्स्ट यूनिट्स ऑफ टाइम वी आर ऑलरेडी फेमिलियर विद आर एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक Some clocks and watches also have a third hand called second hand. It is the thinnest and the fastest moving hand. It takes one second to move from one small division to the next. So it covers 60 small divisions in just one minute. Here the clock shows three. Okay, three is the hour, ten is the minute, and twenty five seconds. Okay, now we are aware of three units of time that is, hour, minute, and second. सेकेंड इज द स्मॉलेस्ट आर इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ टाइम वन आर इज इक्वी मिनट इज इक्वी से आपको आर और मिनट हैंड के बारे में तो ऑलरेडी पता ही है एक और भी आपकी हैंड होती है जो होती है सेकेंड हैंड ये बहुत पतली होती है और सबसे ज्यादा फास्ट आपका ये मूव करती है राइट right? जैसे इसमें आप देखेंगे कि दिस इज द मिनट हैंड ये जो ब्लैक में दिया गया है आर हैंड एंड जो ब्लू का लगा ना आपका ये सेकेंड हैंड है तो देखिये सेकेंड स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जबकि आर जो होती है बिगेस्ट यूनिट होती है एक घंटे में सिक्सटी मिनट्स होते हैं एंड वन मिनट में सिक्सटी सेकेंड्स होते हैं ओके okay? आपको पता है एंड मैथ फैक्ट सेकेंड इज अ बेसिक यूनिट ऑफ टाइम अगर हम बेसिक यूनिट ऑफ टाइम की बात करें दैट इज सेकेंड कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइम अब देखिए हम किस तरह से इनका कन्वर्जन करेंगे यूनिट्स ऑफ टाइम का पहला एग्जाम्पल है कन्वर्ट फोर आवर्स इन मिनट्स ओके फोर आवर्स आपको कन्वर्ट करने हैं मिनट में ओके okay? सबसे पहले यू शुड नो वन आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट सिक्सटी मिनट्स एक घंटे में मिनट्स होते हैं राइट right? तो फोर आवर्स में कितने हो जाएंगे फोर आवर्स इज इक्वल टू फोर इन टू सिक्सटी मिनट्स ओके फोर सिक्स आर ट्वेंटी फोर एंड देर इज वन जीरो मिनट्स आर देर ओके इसी तरह जो है से मिनट्स को सेकेंड में चेंज करना है तो अगेन वन मिनट में आपके सिक्सटी सेकेंड्स होते हैं तो सेवन में कितने हो जाएंगे मिनट्स में को आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर ट्वेंटी नेक्स्ट एग्जाम्पल कन्वर्ट द फॉलोइंग सेवन आवर्स फॉर्टी टू मिनट इन मिनट्स अच्छा अब आप आपको ना मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो ध्यान से देखेंगे कि ये तो ऑलरेडी मिनट्स में सिर्फ सेवन आवर्स को करना है चेंज तो देखिए वन आवर आपको यू शुड ऑलवेज सो देखिए एक घंटे में आपके होते हैं 60 minutes, okay? तो seven hours में कितने हो जाएंगे सेवन इन सिक्सटी मिनट्स दैट्स फोर ट्वेंटी मिनट्स ओके अब आपके पास फोर्टी टू मिनट्स भी थे तो फोर्टी टू मिनट्स आप इसमें ऐड कर देंगे ओके okay? तो आपका जाएगा फोर सिक्सटी टू मिनट्स ओके चलिए एक्सरसाइज देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन राइट द टाइम शोन बाय ईच क्लॉक इन आवर्स मिनट्स एंड सेकंड्स आपको आवर्स मिनट्स और सेकंड्स में लिखना है ओके okay? तो आवर्स देखिए आपका ये हो रहा है 650 तो 650 एंड सेकंड्स है आपके 20 ओके okay? इसी तरह से आपने इन दोनों में भी टाइम लिखना है आवर्स मिनट्स एंड सेकंड्स में ओके ट्वेंटी आवर्स क्लॉक टाइम

राइट नाउ ऑब्जर्व दू कल्वर्स रहे वन ए एम को हम लिखेंगे जीरो जीरो ट्वेंटी फोर आवर्स क्लॉक टाइम में फोर थर्टी ए एम को लिखा है देखिए फोर जीरो फोर थ्री जीरो okay. आवर्स ओके अच्छा देखिए ये भी आपका ए एम है ए एम में आप देखेंगे कि कोई डिफरेंस नहीं वो एज इट इज है, लेकिन जैसे ही आपका ये टू पी एम आया देखिए टू पी एम को लिखा गया है वन फोर जीरो जीरो आवर्स ओके फोर्टीन हंड्रेड आवर्स फोर फिफ्टी पी एम को लिखा गया है वन सिक्स फाइव जीरो आवर्स ओके और टेन टेन पी एम को लिखा गया टू टू वन जीरो आवर्स तो ये ऐसे कैसे हुआ चलिए देखते हैं दिस फ्रॉम दिस टेबल वी सी दैट द टाइम इन ट्वेंटी फोर आवर क्लॉक इज रिप्रेजेंटेड इन फोर डिजिट न्यूमरल्स इन दिस नोटेशन फॉलोइंग रूल्स आर ऑब्जर्व अच्छा ट्वेंटी फोर आर क्लॉक्स में देखिए चार डिजिट में आपके रिप्रेजेंट हो रहा है ना और कोई देखिए ये जो साइन है आपके बीच में वो भी नहीं है ओके okay? तो क्या रूल्स हैं इसके देखिए ए ट्वेल्व एंड टाइम इज डिनोटेड बाय टू फोर जीरो जीरो आवर्स और जीरो 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 आवर्स

फर्स्ट टू डिजिट फ्रॉम लेफ्ट इज लेस देन बिफोर नून एंड सो एम इज यूज लेफ्ट साइड की जो दो डिजिट हैं, वो ट्वेल्व से कम है ओके तो वो ए एम है देखिए ये ट्वेल्व से कम है ये भी ट्वेल्थ से कम है दो डिजिट ये भी ट्वेल्थ से कम है राइट तो देखिए क्या है ए एम आयान में ओके चालिए एग्जाम्पल में देखते हैं जीरो नाइन टू जीरो आर्स ओके अब देखिए आपके पास है जीरो नाइन टू जीरो आर यह आपके ट्वेल्व आर क्लॉक टाइम है और ये लेफ्ट की दो डिजिट देखेंगे ये ट्वेल्थ से कम है ना तो आपका ये एम ओके okay? इसी तरह से इलेवन फिफ्टी इलेवन फिफ्टी आरस है ओके okay? लेफ्ट की दो डिजिट देखेंगे जो ट्वेल्थ से कम है दैट मीन ये भी ए एम को डिनोट कर रहा है दैट मीन इलेवन फिफ्टी ए एम ओके according to this rule okay F if the number formed by the first two digits from left is greater than 12 we subtract 12 from 8 to get the number of hours afternoon noon and so p.m. is used with this time acha 12 se hoga to, paas 1410 hours hai. okay 1410 hours लेफ्ट की जो टू डज है ये आपकी ट्वेल्व से ज्यादा है दैट ये आपका पी हो गया है ना और अब आप, आप क्या करेंगे आपको कैसे पता चलेगा ये दो बज रहे हैं या तीन बज रहा है या चार बज रहा है कैसे पता चलेगा आप फोर्टीन में से ट्वेल्व माइनस कर देंगे ओके 14 में से 12 माइनस करेंगे okay? कर तो आपका आएगा 2 और आपके मिनट सेम रहेगा दैट मींस ये है आपका टू टेन पीएम ओके नेक्स्ट आपका है 2150 वन फाइव जीरो आवर्स ओके आप देखिए 24 फोर ये भी आपका 12 से ज्यादा है तो टू वन फाइव जीरो राइट ये 12 से आपका ज्यादा है ओके okay? तो ये पी में होगा तो ट्वेंटी वन में से आप ट्वेल्व को माइनस करेंगे तो कितना आएगा नाइन ओके तो यानी कि नाइन फिफ्टी पी ओके okay, स्टूडेंट्स अगर लेफ्ट की दो डिजिट 12 से कम है दैट मींस वो ए एम है और 12 से ज्यादा है तो वो पी एम होगा और उसमें आपको जो ज्यादा होंगे ना लेफ्ट साइड की दो डिजिट उसमें आपको 12 से माइनस करना पड़ेगा ओके सो ऑलवेज रिमेंबर दैट ओके ये रूल्स आपको याद रखना जी इफ द नंबर फॉर बाई द फर्स्ट टू डिजिट फ्रॉम लेफ्ट इज ट्वेल्व Other than 1200 it shows 12 hours afternoon and so pm is used with this time okay ab abhi humne baat ki ki अब अभी हमने बात की कि zyada से कम हो ho से ज्यादा हो अगर aapko हो तो okay. hai okay वन जीरो जैसे आवर्स आपको दिया गया ओके ये ट्वेल्व अगर ये ट्वेल्व हंड्रेड है इसको छोड़ दिए अगर आपके पास ये दैट मीन्स ये पी को डिनोट कराए दिन के बारह बज रहे हैं दैट मीन्स ट्वेल्व टेन पी इसी तरह से वन टू फाइव एट आवर्स जो होगा वो आपका हो जाएगा ट्वेल्व फिफ्टी एट पी एम ओके स्टूडेंट्स चलिए एक्सरसाइज देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कन्वर्ट दाइम्स इन टू ट्वेंटी फोर आवर्स क्लॉक टाइम आपको 24 फोर क्लॉक टाइम में इसको चेंज करना है सबसे पहले आपके पास है 12 मिडनाइट ओके ट्वेल्व मिड नाइट है तो 12 मिडनाइट को आप लिखते हैं टू फोर जीरो जीरो आवर्स या फिर जीरो 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 आवर्स भी लिखते हैं ओके दिस इज ए पार्ट बी पार्ट वन फिफ्टीन ए एम ओके अब आपके पास ए एम है ए एम में आपके कोई चेंजेस नहीं होते जस्ट वन वन फाइव और क्योंकि चार डिजिट में होना चाहिए तो आप इससे पहले जीरो लगा देंगे आर्स ओके इसी जैसे सी पार्ट है आपका नाइन टेन पीएम ओके तो अब आप, आप क्या करेंगे पीएम है तो आप नाइन में ट्वेल्व प्लस कर देंगे ओके okay? जब आप ट्वेल्व प्लस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा ट्वेंटी वन ओके तो टू वन वन जीरो आर्स

15 minutes, 15 seconds, तो आप तीन columns बनाएंगे। एक column आपका बनेगा hours का, एक minutes का and seconds का, okay? and particular unit को आप particular column में लिखेंगे Means, जो आर्स के कॉलम में जो मिनट्स में है वो मिनट्स के कॉलम में ओके चलिए एग्जाम्पल देखते हैं नेक्स्ट सब ट्रैक्ट नाइन आवर्स फोर्टी फाइव मिनट फ्रॉम थोटी आवर्स फाइव मिनट्स ओके अब इसे ध्यान से आप देखेंगे मिनट आपके पास है आवर्स एंड मिनट की कॉलम बनाने आपको थर्टीन आवर्स में से फाइव थर्टीन आवर्स फाइव मिनट्स में से आपको सब करना है नाइन आवर्स फोर्टी फाइव मिनट्स ओके ओके तो चलिए कैसे करेंगे तो सबसे पहले है फोर्टी फाइव मिनट्स कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फाइव मिनट्स

इसने आपको वन आर दिया ओके सो वन आर इज इक्वल्स टू आपका होता है सिक्सटी मिनट्स राइट तो वो सिक्सटी मिनट्स जो है वो इनके साथ प्लस हो जाएंगे और थर्टीन आर का हो जाएगा ट्वेल्व आर अगेन आप एक दूसरा कॉलम बना लीजिए फाइव प्लस सिक्सटी मिनट्स सिक्सटी फाइव मिनट्स ये ट्वेल्व आर हो गए फोर्टी एंड देन नाइन अब आप इसे माइनस करेंगे जैसे हम करते हैं सबका आंसर आएगा थ्री आवर्स ट्वेंटी मिनट्स ओके चिल्ड्रन रिमेंबर दैट जब आप आवर कैरी ले रहे हैं ना तो वन आवर में होते हैं सिक्सटी मिनट्स तो वो मिनट्स के साथ ऐड हो जाएगा आपका ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आपको सब करना है ट्वेल्व आवर्स ट्वेंटी फाइव मिनट फोर्टी सेकेंड्स को फ्रॉम ट्वेंटी आवर्स ओके कैसे करेंगे चलिए देखते हैं आवर्स मिनट्स आपको ट्वेंटी आवर में से माइनस करना है मिनट्स नहीं है तो जीरो जीरो सेकेंड्स नहीं है तो जीरो जीरो ओके okay, कितने आवर्स आपको माइनस करने हैं ट्वेल्व आवर्स ट्वेंटी फाइव मिनट्स एंड फोर्टी सेकेंड्स ओके चलिए अब देखिए जीरो सेकेंड में से आप फोर्टी सेकंड्स माइनस नहीं कर सकते जीरो मिनट में से ट्वेंटी फाइव मिनट्स माइनस नहीं कर सकते तो क्या करेंगे बोरो करेंगे आठ बोरो करेंगे ओके okay? इसको वन आवर ये आपका नाइनटीन हो जाएगा वन आवर में आपके सिक्सटी मिनट्स होते हैं सिक्सटी मिनट्स ओके ओके okay, अब सिक्सटी मिनट्स ये आपके हो गए सिक्सटी मिनट्स राइट अब आप सिक्सटी से सेकेंड को कैरी दे सकते हैं तो आपने सेकेंड्स को दिया तो सेकेंड वन मिनट में आपके कितने सेकंड्स होते हैं सिक्सटी सेकेंड्स ओके तो ये आपका कितना हो जाएगा सिक्सटी और ये सिक्सटी से कितना हो जाएगा फिफ्टी नाइन क्योंकि वो एक दे चुके हैं तो अगेन फिर से आप एक कॉलम और बना लीजिए अब आपके पास हो गए सिक्सटी सेकेंड्स ये 60 मिनट से बट 60 मिनट से एक मिनट सेकंड को दे दिया है, तो 59 मिनट्स बचे 20 में से एक आर दे दिया था तो 19 बचा देन 12, 25 एंड फोर्टी एसी नाउ यू कैन माइनस इट सो आपके पास आंसर आएगा सेवन आवर्स 34 फोर मिनट एंड ट्वेंटी सेकेंड राइट चलिए एक्सरसाइज देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन एट द फॉलोइंग Hours, मिनट्स आपको ज्ञान कॉलम में करना है इसे कॉलम बनाएंगे आप दो दिस इज ए पार्ट Hours एंड मिनट्स ओके एट hours, ट्वेल्व मिनट्स एंड सेवन hours, फिफ्टी सिक्स Minutes. Okay. अब इसे करेंगे. अच्छा तो सिर्फ इतना ही पढ़ा है ना वन आवर इज इक्वल टू सिक्सटी मिनट्स ये तो सिक्सटी एट मिनट हो गया तो आप इसमें से क्या करेंगे माइनस करेंगे okay.

तो वो मैं लास्ट लाइन से बोलती हूँ किया चलेगा ना हम्म सो so, आपके पास आंसर आएगा सिक्सटीन आवर्स एट मिनट्स ओके लीप ईयर We know that a year has 365 days. But if we see the calendar of 2024, we will find that February has 29 days instead of 28 days. Why is this so? This is because the time taken by the earth to go around the sun during the year is 365 1 by 4 days. That is, after 4 years, 1 by 4 plus 1 by 4 plus 1 by 4 plus 1 by 4 or 1 by 4 into 4 becomes 1 day. एक्स्ट्रा डे इज इंक्लूडेड एन फेब्रुअरी देखिए आपको पता है एक साल 365 डेज का होता है लेकिन अगर आप के कैलेंडर को देखेंगे ना ध्यान से तो फेब्रुवरी में लिपियर है. क्युं है? अच्छा एक दिन ये जो एक्स्ट्रा है वो कैसे आड ऑन हो जाता है आपका एक्चुअली जो अर्थ है ना सन के अराउंड रिवॉल्व करती है आपको पता है इतना टाइम लेती है अभी जो वन बाय डेज है जब ये चार साल हो जाएगा ना चार साल में आड ऑन होता रहेगा वन बाय वन बाय फोर या फिर आप इसे सिक्स आवर्स भी कह सकते हैं ओके okay? तो ये आपका जब एड ऑन होगा तो एक डे आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा ओके okay? तो इसीलिए ये आपका फेब्रुवरी में इंक्लूडेड होता है और ये लीप ईयर बन जाता है ओके सो आफ्टर फोर एवरी फोर ईयर वन एक्स्ट्रा डे इज एडेड टू द ईयर

Now we will learn to calculate the number of days between two given dates. अब आपको ना number of days निकालने हैं आपको दो given dates होंगी उनके बीच में कितने days आते हैं Okay example how many days are there from 8 April to 15 May? आपको number of days बताने 8 April से 15 May. Okay so April में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए days कितने होते हैं 31 और 30 days in April. थर्टी में से आप सेवन माइनस करेंगे ओके क्योंकि एट अप्रैल से आपको काउंट करना है तो थर्टी में से आपने सेवन माइनस किया तो आपके पास आ गया ट्वेंटी थ्री नाउ डेज इन मे मे में कितने डे हैं आपके मे में जो है आपके सिर्फ फिफ्टीन मे तक करना है ना तो फिफ्टीन आ जाएगा आपका नाउ दोनों को आप प्लस कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा ट्वेंटी थ्री प्लस फिफ्टीन थोर्टी एट डेज यानी कि आपके पास एट अप्रैल से फिफ्टीन मई तक होंगे थर्टी एट डेज ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल हाउ मेनी डेज आर देर बिटवीन ट्वेंटी थ्री डिसम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एंड फिफ्टीन मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ओके ट्वेंटी थर्ड डिसंबर से मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी फोर तक का पूछा है, ओके okay. तो देखिए इसको ध्यान से देखेंगे सबसे पहले आपके डिसंबर में कितने डेज हो जाएंगे डेज इन डिसंबर फोर्टी वन डेज होते हैं राइट right? एंड आपसे पूछा है बिटवीन ओके okay, अब बिटवीन का मतलब इनके बीच में कितने हैं फ्रॉम से नहीं बोला तो बिटवीन मतलब ट्वेंटी थ्री को हम काउंट नहीं करने वाले ओके सो योर वी विल माइनस ट्वेंटी थ्री तो आपके पास आया कितना एट फिर डेज इन जनवरी जेन में आपके पूरे डेज होंगे थर्टी वन स्टेप में भी आपके कितने होंगे पूरे ओके ट्वेंटी ट्वेंटी फोर है ईयर तो फेब में आपके ट्वेंटी फिफ्टीन मार्च ओके मार्च तो डेज इन मार्च आपके कितने हो जाएंगे ओके अगेन आप फिफ्टीन मार्च नहीं लेंगे ओके okay. क्यों नहीं लेंगे देखिए जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल था आपका पूछा था एट अप्रैल से फिफ्टीन कितने दिन है ओके okay, तो मतलब वो दोनों डेज आपके काउंट होते हैं लेकिन जब भी बिटवीन पूछा जाता है ना तो वो जो दो नंबर्स होते हैं ना जिनके बीच में आपको पूछा जा रहा है कि डेज हैं उनको हम नहीं काउंट करेंगे जो दो नंबर्स हैं तो पे भी देखिए आपका फिफ्टीन मार्च नहीं काउंट होगा तो इसलिए हम मार्च में लेंगे ओनली फोर्टीन डेज ओके और जब इसे प्लस करेंगे तो आएगी आपका एटी टू डेज राइट चलिए मैथ फैक्ट देखते हैं जनवरी फेबर अपनी मर्जी से कुछ भी बोल रही हूँ मैथ्स फैक्ट चलिए मैथ्स फैक्ट देखते हैं जनवरी मार्च मई जुलाई अगस्त अक्टूबर एंड दिसंबर हैज थर्टी वन डेज अप्रैल जून सितंबर एंड नवंबर हैव थर्टी डेज फरवरी हैज़ ट्वेंटी एट डेज बट इन लीप ईयर हैज़ ट्वेंटी नाइन डेज रिमेंबर दैट ओके तो एक बहुत आसान तरीका होता है कि ये पता करने का कि थर्टी वन डेज और थर्टी डेज में सी आपके जो नकल्स ये आपके होते हैं दिस वन जैसे जनवरी फेबर मार्च तो आपके जो मंथ्स ऊपर आएंगे उनमें थर्टी वन डेज होंगे और जो नीचे आएंगे वो होंगे आपके थर्टी डेज की ओके okay, एक्सेप्शन इसमें आपका फेब होता है जिसमें ट्वेंटी एट डेज होते हैं बट लीप हैं नाइन डेज राइट चलिए एक्सरसाइज देखते हैं आंसर द फॉलोइंग एनी टू हैविंग थर्टी डेज थर्टी डेज कौन से मंथ में होते हैं आप कोई भी मंथ लिख सकते हैं जिसमें थर्टी एट डेज होते हैं ओके okay, आप जैसे कि अप्रैल ओके एंड जून नेक्स्ट हाउ नेम एनी टू मंथ्स हैविंग थर्टी वन डेज जनवरी मार्च ओके एंड सी बट हाउ मेनी डेज डस फेबरी है लीप्योर ली प्यर में होते हैं आपके ट्वेंटी नाइन डेज ओके चिल्ड्रन आई होप आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा एंड एक्सरसाइज की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे